भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार चलाए जा रहे मतदाता जागरूकता अभियान के अंतर्गत मंगलवार को तहसील सदर डॉ. संजीव कुमार दीक्षित के नेतृत्व में एचएन सिंह चौराहे पर मोहल्ला सभा का आयोजन किया गया तथा मतदाताओं को ईवीएम और वीवीपैट के संबंधित जानकारी दी गई। तहसीलदार सदर ने उपस्थित नागरिकों को बताया कि ईवीएम के प्रति लोगों के बीच व्याप्त भ्रांतियों को दूर करने के उद्देश्य से इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिससे सम्मानित मतदाता इस बात को समझ सके कि ईवीएम को हैक नहीं किया जा सकता। तहसीलदार ने कहा कि मतदाता निर्भीक होकर अपना मतदान करें और भारत के नव निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करें, जिससे लोकतंत्र और जनतंत्र मजबूत हो सके। इस मौके पर मतदाताओं को मतदान के लिए शपथ भी दिलाई गई। तो ये बताएगी आपको कि आपने अगर चार नंबर का बटन दबाया तो चार ही छपा, आप देख के संतुष्ट हो। और अगर आपको डाउट है, फिर भी आपको लगा, ऐसा होता नहीं है आमतौर पे, कि पांच को मिल गया, तो आपके पास चैलेंज वोट करने का रहेगा। आप एक फॉर्म भरेंगे, वहीं पर पीटा सिंह देगा आपको और आप दोबारा वोट करेंगे। मतलब आप किसको कास्ट किए हैं, आप पुनः उसको कास्ट करेंगे, फिर इसमें देखेंगे। अगर आपका वोट सेम जगह कास्ट हुआ तो आपका चैलेंज निरस्त हो गया, प्लस आपको पेनल्टी नहीं, टोकन पेनल्टी 100 रुपये से लेकर 2000 तक, ये पीटा सिंह है। अगर आपका वोट अलग प्रिंट हुआ, मान लीजिए जो आपने कहा कि चार दबाया और पाँच पर पोल हुआ, तो ये सिस्टम सारा वहीं पर क्लोज किया जाएगा और मतदान निरस्त कर देगा। मतलब इतना स्टेक लेके निर्वाचन आयोग ने इस चैलेंज के साथ वो जा रहा है। अभी परसों हमारे यहाँ CEO साहब आए थे 13 तारीख का, हाँ, और बहुत विस्तार से 1000 लगभग पब्लिक थी वहाँ पर शिक्षा भवन में, उन्होंने इन सब चीज़ों को बताया। तो इसके बारे में, और ये देश के बहुत कल्याण से भी यूज़ नहीं हो रहा है, ऐसा भी नहीं यूज़ हो रहा है कि एक ही सरकार बार बार बन रही है, तमाम जगह फेरबदल हो रहा है, मतलब ये क्वेश्चनेबल है ही नहीं सही मायने में। तो अगर ये हम आपके बीच इसलिए लेके आए हैं कि आप खुद से टेस्ट करके देखें, और कहीं किसी को डाउट हो तो आपको बताया जाए। दूसरा, उन लोगों का बूथ कहाँ भाई, मतलब ये एरिया हमारा से सभी लोगों के नाम, जितने लोग यहाँ हैं वोटर लिस्ट में है, अरे कैंपस का नहीं है, अच्छा कैंपस का भाई, तुम बेटा नए हो, बताओ 18 साल तो हो गए कि नहीं, अभी नहीं वोटर लिस्ट में नाम, चलो जानकारी जो भी बालिग हैं उनका वोट लिस्ट में नाम है ना, वोटर लिस्ट में, तो वोट जरूर करिए। ये आपको बताना है, रिक्वेस्ट करने कैसे इतने आए हैं, वोटिंग परसेंटेज बहुत कम है, आपके वोट से लोकतंत्र मजबूत होगा, लोकतंत्र का मजबूत होगा। इसमें किसी कैंडिडेट का नाम नहीं है, लेकिन ये जैसे मान लीजिए 9 नंबर है, ठीक है, 9 नंबर को ओमेगा जो भी यूनिट है, ये जब आप पुश करेंगे तो ऐसा नहीं कि केवल 9 छपेगा, यहाँ ये चुनाव चिन्ह भी छपेगा, इसका नाम भी, मतलब ये भी छपेगा, समझे। तो ये कन्फ्यूजन नहीं है कि केवल क्रमांक में सेट करके और किसी एक पार्टी को हमने यहाँ अंदर में सेट किया। तो आप जैसे मान लीजिए कोई भी, पहला तो एक ऑप्शन करिए, करके देखिए तो ज़्यादा मजा आएगा, कोई भी एक रैंडम आप, ठीक है। अब आप यहाँ पे जब भी पाएगी छपा, वही छपा, अब 2-4-5 को और कराएं आप इस काम को, मतलब कंफ्यूजन खत्म करने के लिए। अब भारत के नागरिक, भारत के नागरिक लोकतंत्र में, लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए, अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए यह शपथ लेते हैं, ये शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की, अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की, लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को, मर्यादा को बनाए रखेंगे, बनाए रखेंगे, तथा तथा स्वतंत्र, स्वतंत्र, निष्पक्ष, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण, एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को, निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण रखते हुए, अक्षुण रखते हुए निर्भीक होकर, निर्भीक होकर धर्म,
धर्म वर्ग जाति समुदाय समुदाय भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने अपने मताधिकार का मताधिकार का प्रयोग करेंगे जय हिंद। जय लोकतंत्र। जय लोकतंत्र।